रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में आए दिन ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। यूं तो शो टीआरपी लिस्ट में नंबर एक पर है, लेकिन इसकी रेटिंग में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में मेकर्स ने अनुपमा में और भी धमाकेदार मोड़ लाने का फैसला कर लिया है। जहां अभी तक शो में दिखाया गया कि छोटी अनु की तबीयत बद से बदतर हो जाती है, वहीं अनुपमा वनराज के साथ एयरपोर्ट जाती है। लेकिन बता दें कि अनुपमा अपनी बेबी की खातिर अमेरिका की फ्लाइट छोड़कर कपाड़िया हाउस वापस लौट आएगी। इससे जुड़ा अनुपमा का प्रोमो वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अनुपमा का ये प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में देखने को मिला कि अनुपमा अपनी छोटी अनु की खातिर वापस लौट आती है। उसे देखकर अनुज और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनुपमा अनुज से कहती है, मैं अपने सपनों को भूल सकती हूँ, लेकिन अपनी बेबली से दूर नहीं रह सकती। अनुपमा के पीछे पीछे गुरु माँ भी कपाड़िया हाउस आ जाती है और अनुपमा को ताना मारती है, सिर्फ अपनी ममता याद रही, मैं नहीं। उसे गिल्ट है कि गुरु माँ को सामने देखकर अनुपमा उनके पैरों में गिर जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। गुरु माँ अनुपमा को उठाती जरूर है, लेकिन उसे जोरदार तमाचा मारती है। रूपाली गांगुली के अनुपमा के प्रोमो वीडियो में देखने को मिला कि गुरु माँ अनुपमा को चेतावनी देती है कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। गुरु माँ कहती है, तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बारी मेरी है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की, ये तुम्हें मेरा चैलेंज है। अनुपमा के प्रोमो वीडियो को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरु माँ अनुपमा को कोर्ट तक घसीटेंगी और उसे सबक सिखाएंगी। अनुपमा का ये प्रोमो वीडियो देख फैंस भी हैरान नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने मालती देवी के थप्पड़ को गलत ठहराया। एक यूजर ने लिखा, मालूम था कि अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाएगी, लेकिन ये थप्पड़ गलत था, बहुत निराश किया है मेकर्स आपने। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अरे यार मेकर्स थोड़े दिनों के लिए शांति नहीं दिखा सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।